भूत भावन भगवान शंकर के त्रिलोक से न्यारी काशी भैरवमयी हो गई। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए बाबा श्री कपाल भैरव की भव्य बारात निकाली गई। बता दे कि बाबा भैरव को शिव का अवतार माना जाता है और काशीवासियों के पाप और पुण्य कर्म का शोधन करने वाले देव अर्थात न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव स्वर्णमयी रथ पर सवार होकर जब माता भैरवी संग ब्याह रचाने पहुंचे तो इस मनोरम दृश्य को देखकर काशीवासी निहाल हो उठे। इस मौके पर काशी की नगर वधुओं ने भी विवाह उत्सव की खुशियों में अपना योगदान दिया और नृत्य कर बाबा के बारात का स्वागत किया। पुराना कार्यक्रम है भगवान शिव के रूप कपाल भैरव जी का वार्षिक विवाहोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। ये कहवा तिलकोत्सव वार्षिक श्रृंगार है बाबा का, ये जुगों पुराना है, कोई आज तक इसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें बाबा को क्या क्या चढ़ता है, क्या क्या कैसा कार्यक्रम किया जाता है उसके बारे में आप बताएंगे? देखिए तिलक समारोह तो जैसे आमतौर से तिलक होता है उसी तरह से तिलक चलता है। विवाह पद्धति जो है जो आमतौर से मानव जीवन में प्रतिलक्षित होता है उसी रूप रंग से ही विवाह होता है। जैसे मनुष्य का विवाह होता है वैसे भगवान शिव रूपी जो भैरव हैं उनका भी विवाह होता है। फर्क यह है कि मनुष्य का विवाह जो है किसी स्त्री से होता है, अब भगवान कपाल भैरव का विवाह भैरवी से होता है, वह भैरवी माँ जगदम्बा के रूप। इसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है, इसमें पहले कल की तिथि में पहले बाबा की खिचड़ी होगी और उसके बाद बृहद भंडारा होता है और यह भंडारा प्रतिवर्ष होता है, हर कार्यक्रम के बाद भंडारा होता ही होता है। बाबा को भोग भोग में क्या लगाया जाता है? ये तांत्रिक पूजा है, इसमें नाना प्रकार का भोग लगता है। जैसे जो तंत्र की उपासना हठ योग की उपासना करने वाले हैं वह मछली भी चढ़ाते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं, अन्य सामग्री। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।